नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, ये वायरस अन्य सभी स्वरूपों की तुलना में काफी खतरनाक है। इसे लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स यानी कि चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया है वो बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। इस डेल्टा वेरिएंट को अब तक के मिले कोरोना वेरिएंट में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसके संक्रमण फैलाने की रफ्तार काफी तेज है, जो तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक इंटरनल रिपोर्ट के हवाले से मीडिया में ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तक के सभी वेरिएंट से काफी खतरनाक और तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है। ये संक्रमण चिकन पॉक्स की तरह ही तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग भी उसी तरह से संक्रमण फैला सकते हैं जिसका वैक्सीन नहीं लेने वाले लोग फैला सकते हैं। CDC के निदेशक डॉक्टर रोशेल पी वालेंस्की के मुताबिक टीका ले चुके लोगों की नाक और गले में वायरस की मौजूदगी उसी तरह रहती है जैसे कि टीका नहीं लेने वालों में। रिपोर्ट में वायरस के इस स्वरूप के कुछ और गंभीर लक्षणों की तरफ भी इशारा किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मर्स, सार्स, इबोला, फ्लू और चिकन पॉक्स फैलाने वाले वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट को बेहद ही खतरनाक माना गया है। इस वायरस का ये रूप विशेषज्ञों को काफी डरा रहा है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट तो आई, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के प्रति संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार बार बार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।